हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आरके सर मैथ्स वाले। क्लास सेवेंथ के सेकंड चैप्टर की, जिसका नाम है फ्रैक्शंस, डेसिमल्स एंड रेशनल नंबर्स। तो आज की इस वीडियो में हम द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर नंबर 2। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज जाकर नीचे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। तो आइए अब एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स को स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आइए पढ़ते हैं उसको। कंप्यूट एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। आपको कंप्यूट करना है, मतलब सॉल्व करना है, और रिजल्ट जो भी आएगा उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बताना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया है 2 + 3/4। अब याद रखिए, जब भी इंटीग्रल पार्ट प्लस होगा एक प्रॉपर फ्रैक्शन से, तो वो खुद ही एक मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। सिर्फ आपको बीच की साइन हटा देनी है। तो गौर से देखिए, ये बन जाएगा 2 3/4। आगे बात समझ में, ये है एक इंटीग्रल पार्ट और ये 3/4 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो जब आप इंटीग्रल पार्ट को प्लस करोगे 3/4 से, तो वो एक मिक्स्ड फ्रैक्शन ही कहलाएगा। तो हमने इसको प्लस हटा दिया, 2 3/4, दैट इज अवर मिक्स्ड फ्रैक्शन। आपको रिजल्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन में बताना है, तो हमने उसको बता दिया। आइए अब सेकेंड बिट देखते हैं। अब सेकेंड बिट में हमें 7/9 + 1/3 दिया गया है, ठीक है। गौर से देखिए, यहाँ पर डिनोमिनेटर्स जो हैं वो अनलाइक है, मतलब सेम नहीं है। तो हमें इसको सेम बनाना है। कैसे बनाएंगे? हमें एलसीएम निकालना होगा 9 और 3 का। मैंने एलसीएम के ऊपर एक अच्छी वीडियो बना कर रखी है, जो कि बहुत आपको नॉलेज देगी। ऊपर आई बटन पर वो लिंक ज़रूर दे दूंगा मैं, उसको जाके पहले देखिए, जिसमें मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बताए हैं आपको, कैसे आप एलसीएम फाइंड करते हो। अब यहाँ पर भी एक शॉर्ट ट्रिक यूज़ करेंगे हम। बहुत गौर से देखिए, ये दो डिनोमिनेटर्स जो हैं, ये है 3 और ये है 9। अब जो छोटा वाला नंबर है, समझिए बात को बहुत गौर से समझिए, जो छोटा वाला नंबर है उसके टेबल में ये बड़ा वाला नंबर आता है या नहीं, वो हमें चेक करना होगा, ठीक है। जो छोटा नंबर है उसके टेबल में क्या बड़ा नंबर आएगा, वो हमें चेक करना है। 3 के टेबल में 9 आएगा, बिल्कुल आएगा। जो बड़ा नंबर होगा वही आपका एलसीएम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, यहां पर डिनोमिनेटर में था 25 और यहां पर डिनोमिनेटर में था 5। छोटा नंबर कौन सा है? 5। क्या 5 के टेबल में 25 आएगा? बिल्कुल आएगा। तो ये हो जाएगा एलसीएम। क्या हो जाएगा? ये बड़ा वाला नंबर बन जाएगा एलसीएम। तो यहां पर ऑटोमेटिकली हम एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। क्या आया हमारा एलसीएम? यहां पर बड़ा वाला नंबर दोनों में से 9 है, जो 3 के टेबल में आता है। तो ये 9 हमारा बन जाएगा एलसीएम। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन को हम सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। तो ये एलसीएम मिल गया हमें। बट गौर से देखिए, ये 9 था, क्या ये 9 था? नहीं, आपको इसको 9 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? 3 को हम 3 से वापस मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो 9 बन जाएगा। दोनों का 9 हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा, उसको भूलिए मत। ये 9 था, इसको 9 हमने बनाया, ये 9 और ये 9 हमने कॉमन लिख लिया एक बार। अब न्यूमरेटर को हमें जो भी करना है वो कर लेंगे। ये 7 था, 7 लिखिए, प्लस 1 3 3। तो आइए न्यूमरेटर को ऐड करते हैं, 7 + 3 = 10 डिवाइडेड बाय 9। अब इसको हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में बताना है। कैसे बताएंगे? मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, 10/9 है जो भी डिनोमिनेटर में, वो टेबल में हमें अब ढूंढना है 10 को। 9 के टेबल में 10 तो नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे? 9 1 9 ले लेंगे। चलिए लिखिए, डिनोमिनेटर में है 9, 9 के टेबल में 10 नहीं आता, तो हम लेंगे 9 1 9। कितने बज गए 10 बनाने के लिए? 1 बज गया, वो न्यूमरेटर में लिख दीजिए। सो योर आंसर इज 1 1/9। आ गई बात समझ में? आइए जल्दी से बढ़ते हैं थर्ड वाले की तरफ। थर्ड में हमें दिया गया है 1 - 4/7। तो ये रहा 1 - 4/7। बहुत गौर से देखिए क्या मैं समझाने वाला हूँ आपको यहाँ पर। ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, ठीक है। ये फ्रैक्शन फॉर्म में है या नहीं कैसे पता करेंगे? देखिए, ये नंबर 1 है, ये 1 को भी हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसा? डिवाइडेड बाई 1 लिखोगे। समझ में आ गई बात? कोई भी नंबर रहो, 3 रहो, उसको हम 3/1 लिख सकते हैं। 4 रहो, उसको हम 4/1 लिख सकते हैं। क्यों? देखिए, क्योंकि
जब आप 3 को डिवाइड करोगे 1 से तो वापस से 3 ही आपका आंसर आएगा। कैसे, देखिए 3 को हम डिवाइड कर रहे हैं 1 से, तो हमें डिवाइड ऐसे करना होता है। 1 के टेबल में 3 कब आएगा, 1 3 3, ये सब्ट्रैक्ट हो गया, आंसर 0 आ गया। आंसर क्या आया आपको, वापस से 3 तो ही आया। तो हम 3 को 3/1 भी लिख सकते हैं। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इस 1 को लिखेंगे 1/1। तो अब हमें एलसीएम निकालने में आसानी होगी। छोटा नंबर क्या है, 1। क्या 1 के टेबल में 7 आएगा, बिल्कुल आएगा, 1 7 7। तो इसका एलसीएम क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया 7। अब ये तो ऑलरेडी 7 है, कोई हमें दिक्कत नहीं है, इसको हमें 7 बनाना होगा। तो कैसे बनाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, ऊपर भी और नीचे भी, 1 7 7 माइनस 4, तो ये कितना बन गया, 3/7। अब यहां पर आपको ध्यान देना होगा, 3/7 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। आप प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते। ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, देखिए न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, ये इम्प्रॉपर था, हमने उसको मिक्स में चेंज कर दिया, बट ये प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स्ड में चेंज नहीं होगा। तो आप आंसर को ऐसे ही 3/7 ही लिख दीजिए। आइए बढ़ते हैं फोर्थ बिट की तरफ। फोर्थ बिट में हमें दिया गया है 2 2/3 प्लस 1/2। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसे इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, 3 2 6, 6 + 2 8 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1/2। अब यहां पर एलसीएम की दूसरी ट्रिक इस्तेमाल होगी। क्या है वो ट्रिक, गौर से देखिए, 3 एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मतलब ऐसे नंबर्स जो मल्टीप्लाई होते हैं 1 से और खुद से। 3 भी वही है, 1 3 3 3 1 3, तो ये एक प्राइम है। दूसरा वाला नंबर भी प्राइम है, 2 भी एक प्राइम नंबर है, 2 1 2 1 2 2, इसके अलावा कोई टेबल में नहीं आएगा। तो ये दोनों प्राइम नंबर्स है। जब कभी आपको एलसीएम दो प्राइम नंबर्स के निकालने होंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, दैट इज योर एलसीएम, 3 2 6। तो इसका एलसीएम आएगा 6, ठीक है। अब ये तो है 3, हमें चाहिए 6। 3 को किससे मल्टीप्लाई करने पर 6 आएगा, 2 से, ऊपर भी नीचे भी, इसको भी 6 बनाना है। 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, 2 3 6 2 3 6। आई होप यू आर फॉलोइंग माई इंस्ट्रक्शंस, बहुत जरूरी है ये सीखना आपको, 10th तक चलेगा आपको ये। तो हमने एलसीएम निकाल लिया यहां पर 6, मल्टीप्लाई कर लिया डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को, जिससे हमें मल्टीप्लाई करना था। अब ये बन गया 6, ये बन गया 6, जिसको हमने कॉमन निकाल लिया और लिख भी लिया। ऊपर वाले नंबर्स को हमें सॉल्व करना है, 2 8 16 प्लस 1 3 3, कितना बन जाएगा, 16 + 3 19 डिवाइडेड बाई 6। 19 डिवाइडेड बाई 6 क्या इम्प्रॉपर है, बिल्कुल इम्प्रॉपर है, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है। अब आइए इसको मिक्स में चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, डिनोमिनेटर को देखना है, 6 के टेबल में क्या 19 आएगा देखेंगे, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 19 से आगे बढ़ गया, तो 18 क्लोज नंबर है। सो 6 3 लेंगे, डिनोमिनेटर में लिखेंगे 6, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 6 3 18, कितने बच रहे हैं 19 लाने के लिए, 1, तो आपका आंसर आ गया 3 1/6। ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट 4 बिट्स, बाकी के 2 बिट्स चलिए करते हैं। आइए देखते हैं फिफ्थ बिट में हमें क्या दिया गया है, 5/8 माइनस 1/6, सो 5/8 माइनस 1/6। अब आप चाहो तो रेगुलर एलसीएम कर लो, क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स है, या फिर आप यहां पर एक ट्रिक भी इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे, देखिए छोटा नंबर है 6, अब क्या ये टेबल में 8 आएगा, नहीं आएगा, 6 के टेबल में 8 नहीं आता, तो हमें दूसरे वाले नंबर को जब तक मल्टीप्लाई करना है तब तक ये 6 के टेबल में वो नंबर नहीं आ जाता। देख लीजिए ये 8 है, ठीक है, अब 8 तो नहीं आता 6 के टेबल में, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 8 2 16, क्या 16 आता है 6 के टेबल में, नहीं आता, 2 को हटा दीजिए, 3 से करिए, 8 3 24, क्या 6 के टेबल में 24 आएगा, बिल्कुल आएगा, 6 4 24, तो जो 24 आपको अभी अभी आया है वही आपका LCM होगा, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी आपको शॉर्ट ट्रिक में बता दिया था। तो यहां पर LCM हमें कितना आया, 24, या फिर आप नॉर्मल भी LCM कर सकते हो, देखिए ऐसा 8.6,
पहले 2 ले लेंगे, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, फिर देखिए 2 2 जा 4, 2 के टेबल में 3 नहीं आता तो वैसे ही लिखिए 3, फिर ले लेंगे 2 1 जा 2, ये 3 वैसे ही रहेगा, फिर ले लेंगे 3 1 जा 3, ये पूरों को मल्टीप्लाई कीजिए 24 ही आएगा। ठीक है, ये है रेगुलर मेथड, जो मैंने आपको बताया वो है शॉर्ट ट्रिक। अब देखेंगे 24 तो हमें एलसीएम आ गया, इसको भी 24 बनाना है, इसको भी 24 बनाना है, तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। 8 को कौन से टेबल से मल्टीप्लाई करोगे जब 24 आएगा, 3 से, 8 3 जा 24, ऊपर भी करना होगा। 6 को कौन से टेबल से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 आएगा, 6 4 जा 24, तो ऊपर भी 4 से करना होगा। 3 5 जा 15 माइनस 4 1 जा 4, दोनों भी 24 है, जिसको हमने एलसीएम लिख लिया है हमारा। 15 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 11, 11 डिवाइडेड बाई 24, 11 डिवाइडेड बाई 24 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते, मिक्स में वैसे ही रहने दीजिए। आइए अब देखते हैं सिक्स्थ वाली बिट, जो कि लास्ट बिट है फर्स्ट क्वेश्चन की, 2 2 बाई 3 प्लस 3 1 बाई 2, आइए चेंज करते हैं, 2 2 बाई 3 प्लस 3 1 बाई 2, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8 बाई 3 प्लस 2 3 जा 6 प्लस 1 7 बाई 2। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर दो प्राइम नंबर्स हो तो उसका एलसीएम कैसे आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना होगा। सो 3 2 जा 6, एलसीएम यहां पर निकल कर आया 6, दोनों को 6 बनाना है तो यहां पर मल्टीप्लाई करना होगा 3 से, यहां पर मल्टीप्लाई करना होगा 2 से। 2 8 जा 16 प्लस 7 3 जा 21, अब 16 को प्लस कीजिए 21 से, वो हो जाएगा 37 डिवाइडेड बाई 6। अब ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम चेंज कर सकते हैं मिक्स में, कैसे देखिए, 6 हमारे पास डिनोमिनेटर है तो लिख दीजिए 6, अब 6 के टेबल में क्या 37 आएगा, नहीं आएगा, सो 6 6 जा 36 ले लेंगे, तो ये हो गया 6 6 जा 36, कितने बच रहे हैं 37 लाने, 1, तो ये हो गया आपका आंसर। 6 1 बाई 6 इज योर मिक्सड फ्रैक्शन फॉर दिस सिक्स्थ बिट। तो ये था आपका कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1। आइए अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन को, सेकेंड क्वेश्चन में हमें दिया गया है अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर मतलब स्मॉल टू बिग। तो आइए देखते हैं सबसे पहली बिट को, 5 बाई 8, 5 बाई 6, 1 बाई 2, ये सारे के सारे डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, तो आप कंपेयर कैसा करोगे, नहीं कर सकते, तो हमें सबसे पहले इन सब अनलाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स बनाना है। तो आइए कैसे बनाएंगे, बहुत गौर से देखिए, 5 बाई 8 कॉमा 5 बाई 6 कॉमा 1 बाई 2, अब इन सब का हम एलसीएम निकालते हैं, तो आइए देखिए 8 6 2, तो हम एलसीएम निकालेंगे, 2 के टेबल से स्टार्ट करते हैं, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, नेक्स्ट 4 1 जा 4, 3 बच गया क्योंकि 3 टेबल, क्योंकि 4 के टेबल में 3 नहीं आता, नेक्स्ट 3 1 जा 3, सारे के सारे 1 बन गए, इन सबको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू 3 इंटू 4, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, तो इसका मतलब ये है कि सारे डिनोमिनेटर्स को आपको 24 बनाना है। तो आइए बनाते हैं, 5 बाई 8 हमारे पास है, तो 8 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने पर हमें 24 आएगा, 8 3 जा 24, तो ऊपर भी 3 से करेंगे, कॉमा 5 बाई 6, तो 6 को हम करेंगे मल्टीप्लाई 4 से, जब वो बन जाएगा 24, कॉमा 1 बाई 2, 1 बाई 2, 2 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनेगा 24, सो 5 3 जा 15 डिवाइडेड बाई 24, कॉमा 5 4 जा 20 डिवाइडेड बाई 24, कॉमा 1 12 जा 12 डिवाइडेड बाई 24। अब इन सब के डिनोमिनेटर्स 24 हो चुके हैं, अब हम हमारा असेंडिंग ऑर्डर कर सकते हैं। तो सबसे छोटा वाला नंबर देखिए कौन सा है, यहाँ पर सबसे छोटा है 12 बाई 24, सो पहले ये आ जाएगा, देन कॉमा 15 बाई 24, नेक्स्ट लास्ट विल बी 20 बाई 24। अब ये लिखने के बाद आपको एक्चुअल जो नंबर्स थे उसके फॉर्म में आपको लिखना होगा असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे लास्ट में था 1 बाई 2, तो सबसे पहले आ जाएगा वो, देन आएगा 15 बाई 24 दैट इज़ 5 बाई 8, और लास्ट में आ जाएगा 5 बाई 6। तो इस तरीके से आपको करना था ये प्रॉब्लम, दिस इज़ योर फर्स्ट बिट। आइए अब देखते हैं सेकेंड बिट को, सेकेंड बिट में भी आप देखेंगे तो आपके सारे के सारे डिनोमिनेटर्स अलग है, 2 बाई 5, 1 बाई 3, 3 बाई 10, तो आइए एलसीएम निकालते हैं इन सब का, तो हम करेंगे 5, 3, 10। अब यहाँ पर गौर से देखिए, 5 और 10 दोनों भी एक टेबल से चला जाएगा 5 के, 5 1 जा 5, 3 वैसे ही रहने दीजिए,
फाइव टू ज़ा टेन, फिर ले लेंगे थ्री, थ्री वन ज़ा थ्री, टू वैसे ही रहेगा, नेक्स्ट ले लेंगे टू, टू वन ज़ा टू, तो सारे के सारे वन बन गए। अब इन सबको मल्टीप्लाई करना होगा, तो कैसे करेंगे, फाइव इंटू थ्री इंटू टू, फाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन, फिफ्टीन टू ज़ा थर्टी, तो इसका मतलब क्या हो गया, इन सबको हमें थर्टी बनाना है। तो आइए देखेंगे, टू बाई फाइव, फाइव को मल्टीप्लाई करेंगे, फाइव हमें थर्टी बनाना है, फाइव इंटू सिक्स, नेक्स्ट कॉमा वन बाई थ्री, थ्री को हम करेंगे टेन से, ऊपर भी टेन से, कॉमा थ्री बाई टेन, टेन तो ऑलरेडी है तो मल्टीप्लाई करेंगे थ्री से, ऊपर भी थ्री, टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व डिवाइडेड बाई थर्टी, कॉमा वन टेन ज़ा टेन डिवाइडेड बाई थर्टी, कॉमा थ्री थ्री ज़ा नाइन डिवाइडेड बाई थर्टी। अब आइए असेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं, असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे छोटा, सबसे छोटा है नाइन, नाइन बाई थर्टी, फिर आएगा टेन, टेन बाई थर्टी, फिर आएगा ट्वेल्व, ट्वेल्व बाई थर्टी। सो दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन जिसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है। आइए आपको थर्ड वाला पढ़कर सुनाता हूँ मैं, ये आपके लिए होमवर्क है। चेक इन द फॉलोइंग स्क्वेयर, आपको यहाँ पर एक स्क्वेयर दिख रहा होगा, उसको देखते रहिए। Whether in this square the sum of the numbers in each row and in each column and along the diagonals is the same. अब आपको यहाँ पर row दिख रहा होगा, column दिख रहा होगा और diagonal दिख रहा होगा। अब आप इन सबको अगर आप plus करोगे तो आपको आएगा 21 by 13. जी हाँ, पहली row को आप add कीजिए, सारे के सारे denominator same है तो न्यूमिनेटर्स को ऐड करते जाइए, तो ये होगा 21 बाई 13। रो को भी अगर आप प्लस करोगे तो वो भी होगा 21 बाई 13। अगर आप डायगनली भी प्लस करोगे तो वो होगा 21 बाई 13। तो ये है आपका थर्ड क्वेश्चन। अब आइए बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। आइए अब देखते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन को। अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 5 2 बाई 3 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 1 बाई 5 सेंटीमीटर वाइड, फाइंड इट्स पेरीमीटर। आइए सबसे पहले डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम्स में डायग्राम से आपको समझ में आएगा कि क्या क्या हमें दिया गया है। पेपर है एक शीट ऑफ पेपर जो कि रेक्टेंगुलर शेप में है, 5 2 बाई 3 सेंटीमीटर्स लॉन्ग है। सो 5 2 बाई 3 सेंटीमीटर्स लॉन्ग एंड 3 1 बाई 5 सेंटीमीटर वाइड, वाइड मतलब यहाँ पर उसकी ब्रेथ है 3 1 बाई 5 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करना है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ विच शेप यू विल यूज, रेक्टेंगुलर शेप, क्योंकि हमें यहाँ पर रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर कहा गया है, तो हम यूज करेंगे सबसे पहले लेंथ ऑफ द पेपर। कितना दिया गया है हमें लेंथ ऑफ द पेपर, लेंथ ऑफ द पेपर इज 5 2 बाई 3। आइए ये मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, 3 5 ज़ार 15 प्लस 2 17 बाई 3 सेंटीमीटर्स। ओके, देन वाइड मतलब वो है ब्रेथ, ब्रेथ ऑफ द पेपर। ओके, सो इज इक्वल टू हाउ मच, 3 1 बाई 5, इसको भी चेंज करेंगे, 5 3 ज़ा 15 प्लस 1 16 डिवाइडेड बाई 5 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज करना होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल व्हाट इज द फॉर्मूला, 2 इंटू एल प्लस बी। फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू एल प्लस बी। आइए वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, यह है लेंथ जिसको हम मानेंगे एल, यह है ब्रेथ जिसको हम मानेंगे बी। सो 2 इंटू एल इज 17 बाई 3 प्लस ब्रेथ इज 16 बाई 5, 17 बाई 3 प्लस 16 बाई 5, दोनों के डिनोमिनेटर्स, पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना होगा तो पहले डिनोमिनेटर्स को देखेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर्स अनलाइक है मतलब सेम नहीं है, तो सेम बनाना होगा। कैसे बनाएंगे, चलिए इस 2 को वैसे ही रखिए, यहाँ पर नजर डालिए, 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर्स है, कौन से नंबर्स है, प्राइम, तो प्राइम नंबर्स का एलसीएम कैसे लाते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर 3 5 आर 15 आ गया एलसीएम झटपट। अगर आपको ट्रिक्स पता हो तो बहुत आसानी से एलसीएम आ जाएगा। अब एलसीएम एक बार आने पर बहुत आसान हो जाएगा, इसे हमें बनाना है 15, इसे भी हमें बनाना है 15, तो 3 को कैसे बनाएंगे 15, 3 5 से मल्टीप्लाई कर, यहाँ पर भी 5 से मल्टीप्लाई कर, 5 को कैसे बनाएंगे 15, 3 से मल्टीप्लाई कर, यहाँ पर भी 3 से। अब ये दोनों 15 बन गए, हमने ऑलरेडी उसको ले लिया है। ऊपर देखिए 17 इंटू 5,
85 प्लस 16 इंटू 3 48, ठीक है। 2 इंटू 85 प्लस 48 डिवाइडेड बाई 15, अब ये हो जाएगा 2, 85 प्लस 48 यहाँ पर करेंगे, 8 प्लस 5 13, ये भी हो जाएगा 13, 2 इंटू 133 डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू, 2 को 133 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 वन ज़ा 2, 2 थ्री ज़ा 6, 2 थ्री ज़ा 6 डिवाइडेड बाई 15 सेंटीमीटर, कितना है पेरीमीटर 266 डिवाइडेड बाई 15 इज योर पेरीमीटर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। आइए करते हैं फिफ्थ वाले क्वेश्चन को, द रेसिपी रिक्वायर्स 3 1/4 कप्स ऑफ फ्लावर। तो यहाँ पर हमें 3 1/4 कप्स ऑफ फ्लावर चाहिए रेसिपी के लिए। राधा हैज 1 3/8 कप्स ऑफ फ्लावर, मतलब राधा के पास है 1 3/8 कप्स ऑफ फ्लावर। हाउ मच मोर कप ऑफ फ्लावर डज शी नीड, तो टोटल उसे चाहिए 3 1/4, उसके पास है 1 3/8, तो और कितने चाहिए उसे वो हमें पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, आइए देखिए। सबसे पहले लिखूंगा मैं रेसिपी रिक्वायर्स टोटल फ्लावर, हाउ मच इट इज 3 1/4। 3 1/4 को आइए चेंज करते हैं इम्प्रॉपर में, 4 3 12 प्लस 1 13/4 कप्स। राधा हैज हाउ मच, राधा हैज टोटल फ्लावर, हाउ मच शी इज हैविंग 1 3/8, 1 3/8, आइए 8 1 8 प्लस 3 11/8 कप्स। अब और कितने चाहिए हमें कैसे पता चलेगा, टोटल में से जितने राधा के पास है वो माइनस कर दीजिए, हमें ऑटोमेटिकली वैल्यू आ जाएगी। सो 13/4 माइनस 11/8। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर दोनों की देखिए अलग अलग है, तो हमें इन दोनों को सेम बनाना होगा, कैसे, एलसीएम निकाल कर। एलसीएम की ट्रिक मैंने आपको बताई है, छोटा नंबर जो है वो छोटे नंबर को देखिए कि क्या वह बड़ा नंबर ये छोटे नंबर के टेबल में आता है या नहीं। 4 के टेबल में 8 आएगा, बिल्कुल आएगा, तो ये जो बड़ा नंबर है वही आपका एलसीएम बनेगा। तो यहाँ पर ये बन जाएगा 8, अब ये तो ऑलरेडी 8 है बट इसको आपको 8 बनाना पड़ेगा। सो 4 टू ज़ा ऊपर भी 2 से, अब 2 4 ज़ा 8 बन गया, ये भी 8 बन गया, तो हमने दोनों का कॉमन निकाल लिया, 8 लिख दिया। अब ऊपर न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं, 2 इंटू 13 इज हाउ मच 26 माइनस 11 इज इक्वल टू, 26 माइनस 11 अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा 15, 15 डिवाइडेड बाई 8। तो और कितने कप्स चाहिए राधा को, राधा वॉन्ट्स मोर 15/8 कप्स ऑफ फ्लावर। तो ये था आपका कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 5। आइए अब बढ़िए सिक्स्थ क्वेश्चन को, अब्दुल इज प्रिपेयरिंग फॉर फाइनल एग्जाम्स, अब्दुल फाइनल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो रहा है, ही हैज कंप्लीटेड 5/12, कितना, ही हैज कंप्लीटेड 5/12 पार्ट ऑफ हिज कंटेंट, जो वो पढ़ रहा है उसमें से उसने 5/12 पार्ट को कंप्लीट कर लिया है, फाइंड आउट हाउ मच कोर्स कंटेंट इज लेफ्ट। अब आपको ये बहुत ज़रूरी है समझना कि यहाँ पर टोटल कितने पार्ट्स हैं। सबसे पहले मैं लिखूँगा अब्दुल कंप्लीटेड द कोर्स कंटेंट इज हाउ मच 5/12, ओके 5/12, दैट मीन्स टोटल पार्ट्स हमें डिनोमिनेटर से मिलेंगे, देखिए जो के हैं 12 पार्ट्स, उसने कितने पार्ट्स कंप्लीट किए, 5 बाई 12, तो टोटल पार्ट्स कितने हैं यहाँ पर, टोटल पार्ट्स ऑफ कोर्स कंटेंट, अगर आप टोटल पार्ट्स लिखोगे तो टोटल पार्ट्स हमें पता चले हैं 12, तो 12/12 होंगे टोटल पार्ट्स। अब यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे 12/12 में से हम सब्ट्रैक्ट कर दें अगर 5/12 को, तो हमें रिमेनिंग कोर्स पता चल जाएगा, रिमेनिंग कंटेंट टोटल है 12/12 माइनस 5/12 उसने पढ़ लिया। अब दोनों का एलसीएम 12 आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर्स लाइक है, 12 माइनस 5 न्यूमरेटर होगा, 12 माइनस 5 इज 7, सो 7/12 इज द रिमेनिंग कंटेंट। कितना पढ़ना बाकी है अभी अब्दुल को,
अब्दुल को बाकी है अभी 7/12 पार्ट्स पढ़ना। तो आइए अब इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं, जो कि है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट बिट ट्रायंगल एबीई। तो यहाँ पर देखिए फिगर में हमें एक ट्रायंगल दिया गया है, इसका हमें पेरीमीटर पता करना है, और सेकंड बिट में हमें दिया गया है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल बीसीडीई। यह है बीसीडीई, इस पेरीमीटर, इस रेक्टेंगल का हमें पेरीमीटर पता करना है। तो फर्स्ट बिट और सेकंड बिट को अलग अलग करेंगे, फिर विच फिगर हैज ग्रेटर पेरीमीटर एंड बाई हाउ मच। तो आइए सबसे पहले कर लेते हैं ट्रायंगल का। तो पहले करेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी ई। तो पेरीमीटर मतलब क्या, पेरीमीटर मतलब होता है बाउंड्रीज, सारे बाउंड्रीज को ऐड कर दीजिए आपको पेरीमीटर आ जाएगा ट्रायंगल का। सो दैट मींस साइड प्लस साइड प्लस साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का है। तो साइड कितना है, पहला देखिए 3 1/3 प्लस सेकेंड वन 2 1/5 प्लस थर्ड वन 4 2/3। ओके नाउ ऐड कीजिए सबको। तो सबसे पहले तो हम इसे चेंज कर लेते हैं, 3 3 ज़ा 9 9 प्लस 1 10/3 प्लस 5 2 ज़ा 10 10 प्लस 1 11/5 प्लस 3 4 ज़ा 12 12 प्लस 2 14 डिवाइडेड बाई 3। अब बहुत गौर से यहाँ पर देखिए 3 5 3, ये तीनों डिनोमिनेटर्स अलग हैं, बट ये 3 और 3 तो सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये और 3, ये दोनों 3 को आप एक 3 गिन सकते हो, ठीक है, दोनों भी सेम है इसीलिए मैं एक ही कंसिडर कर रहा हूँ। 3 और 5 बच गया आप, 3 और 5 दोनों क्या है, 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर्स है। दोनों प्राइम नंबर्स का एलसीएम कैसे निकालोगे आप, मल्टीप्लाई कर कर, ये ट्रिक है एलसीएम निकालने की। तो दोनों अगर प्राइम नंबर्स हो तो हम उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 3 ज़ा 15 कितना होगा एलसीएम 15। सो सारों को हमें 15 बनाना होगा, कैसे बनाएंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, ऊपर भी करना होगा, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। आइए मल्टीप्लाई कर देखते हैं, 10 5 ज़ा 50 बाई 15 हमने ऑलरेडी लिख लिया, 11 3 ज़ा 33 बाई 15 हमने एलसीएम ऑलरेडी ले लिया, प्लस 14 × 5 70। सो 50 + 33 + 70 कितना होगा, 50 + 33 विल बिकम 83, 83 + 70 विल बिकम 153 डिवाइडेड बाई 15। अब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं 3 के टेबल से, 3 5 ज़ा 15 3 5 ज़ा 15 3 1 ज़ा 3 तो कितना निकल कर आया, 51 / 3 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। अब हमें निकालना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, सो यहां पर लिखूंगा मैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बी सी डी ई। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला, 2 × L + B, 2 × L + B। तो यहां पर लेंथ क्या है और ब्रेथ क्या है, गौर से देखिए, ये हो जाएगी, अगर आप रेक्टेंगल को ऐसे घुमाओगे तो ये हो जाएगी लेंथ 2 × 2 1/5 प्लस ब्रेथ कितनी है 1 2/3। तो इस तरह से हम लिख लेंगे, आइए अब सॉल्व करते हैं, 2 × ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 11/5 प्लस 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 5/3। अब फिर से यहाँ पर दोनों एलसीएम, दोनों डिनोमिनेटर सेम नहीं है, 5 भी एक प्राइम है 3 भी एक प्राइम है, फिर से निकल कर आएगा एलसीएम 15। अब इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये दोनों 15 बन जाएंगे जिसको हमने ले लिया, 11 3 ज़ा 33 प्लस 5 5 ज़ा 25, ये ब्रैकेट लगा लीजिए, 2 × 33 + 25 हाउ मच इट विल बी 58 डिवाइडेड बाई 15, 2 × 58 हाउ मच इट विल बी 116 डिवाइडेड बाई 15 सेंटीमीटर। तो कितना निकल कर आया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, 116 डिवाइडेड बाई 15। अब ट्रायंगल का है 51 / 3 और इसका है 116 / 15। अब दोनों का आप चेक कैसा करोगे, तो यहाँ पर देखिए हमने इसको 3 के टेबल से कैंसिल किया था, अब दोनों अगर 15 15 ही रहेंगे तो हमें कंपैरिजन करने में आसानी होगी। तो हम इसको लिखेंगे वापस से 153
डिवाइडेड बाई 15 सेंटीमीटर। अब ये भी 15 है, ये भी 15 है, दोनों में बड़ा पेरीमीटर किसका निकल कर आया? ट्रायंगल का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल ए बी ई पेरीमीटर इज ग्रेटर देन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बी सी डी। अब कितना बढ़कर आया है ये दोनों का जो हमने कंपेयर किया, ये ट्रायंगल का तो बढ़ के है हमें पता हो गया, अब कितना बढ़ के है दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मालूम हो जाएगा। 153 डिवाइडेड बाई 15 माइनस 116 डिवाइडेड बाई 15। अब 15 तो डिनोमिनेटर आ गया क्योंकि दोनों का सेम है, अब 153 माइनस 116 करना होगा। आइए करते हैं, ये बन जाएगा 37 डिवाइडेड बाई 15 सेंटीमीटर। बाय हाउ मच इट इज ग्रेटर? बाय 37 बाय 15। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय 37 बाय 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ट्रायंगल का पेरीमीटर बड़ा है रेक्टेंगल के पेरीमीटर से बाय 37 बाय 15। तो ये था आपका 7th क्वेश्चन। सो दिस वाज योर कंप्लीट एक्सरसाइज 1 ऑफ 2nd चैप्टर। आई होप आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी इस एक्सरसाइज से। तो इसी तरह के वीडियोस मैं लाता रहता हूँ एवरी वीक, तो जाकर नीचे ज़रूर लाइक कीजिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल दैट टाइम प्लीज़ कीप लर्निंग।